नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। तो कन्या राशि वालों के लिए 1 से 7 सितंबर तक का सप्ताह कैसा बीतेगा? सबसे पहले आपको बता देते हैं, यह साप्ताहिक राशिफल आपका चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपका चंद्रमा 6 नंबर के साथ आपकी लग्न कुंडली में कहीं पर भी स्थित है तो आपकी कन्या राशि है। अगर आपकी कन्या राशि है तो ये वीडियो आपको कम्प्लीट देखना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा के ट्रांजिट की 1 और 2 सितंबर को। 1 और 2 सितंबर को जहां पर चंद्रमा का ट्रांजिट आपके लिए 6th हाउस में रहेगा, कुंभ राशि में, तो यहां पर चंद्रमा के होने से आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी को आप पैसे उधार देते हैं तो पैसा फंस सकता है, किसी से पैसा उधार लेते हैं तो आप बहुत जल्दी नहीं चुका पाएंगे। इसके अलावा कोर्ट केस संबंधी समस्याएं या किसी के साथ फालतू का लड़ाई झगड़ा हो जाना, इस प्रकार की दिक्कत आपको रहेगी। तो कुल मिलाकर आपको शत्रु भी परेशान कर सकेंगे इस समय में, तो थोड़ा सा सावधान रहना होगा। इस समय में आप अपने रोजाना का जो रूटीन है आपका, जो आपकी दिनचर्या है, उसको लेकर थोड़े से परेशान रह सकेंगे। यहां से चंद्रमा 12वें भाव को देखेंगे। 12वें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होने से अनिद्रा की समस्या या कुछ फालतू के खर्चे होना या आपको बुरे सपने आना, इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं 1 और 2 सितंबर को। उसके बाद 3, 4 और 5 सितंबर को जो समय रहेगा उसमें चंद्रमा आपके सप्तम भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि में चंद्रमा के गोचर से आपके लिए बिजनेस में नए रास्ते खुलेंगे। आप पहले से ही बिजनेस कर रहे हैं तो ज्यादा लाभ होगा, साथ ही बिजनेस में कोई पार्टनर आपके साथ जुड़ सकता है, आप नई पार्टनरशिप के लिए जा सकते हैं, आपके पास पार्टनरशिप के लिए ऑफर आ सकता है, तो आप चाहें तो पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप का जो विचार है वो बहुत ही सोच समझ कर करें, डिसीजन बहुत सोच समझ के लें। इस दौरान आपकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी होगी। अगर मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी पहले से तो वो दूर हो जाएगी। इसके साथ ही आप अपने पार्टनर का जो व्यवहार है उसमें थोड़ी सी भावुकता जरूर देखें, साथ ही आप भी थोड़े से भावुक रहेंगे, तो आपका जो पूरा फोकस रहेगा वो सप्तम हाउस पर रहेगा। अगर आप पब्लिक के साथ किसी भी प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं तो वहां पर भी आप थोड़ा सा इमोशनल खुद भी फील करेंगे, तो इसके साथ ही आपका जो व्यवहार है अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ वो भी अच्छा रहेगा, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा और नई पार्टनरशिप से आपको काफी लाभ होगा। इसके साथ ही आपकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी होगी, आपके पार्टनर का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ये 3 दिन आपके लिए काफी बेहतरीन रहेंगे। यहां से चंद्रमा आपके राशि स्थान को भी देखेंगे। राशि स्थान को देखने पर यहां पर चंद्रमा की दृष्टि आपके राशि स्थान पर पड़ेगी, जिससे आप अपनी सेहत को लेके, खुद के विचारों को लेके कहीं ना कहीं आप मनन करेंगे, सेहत का आप ध्यान रखेंगे और मन में जो विचारों का तूफान है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, तो इसको लेकर आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, कहीं आप घूमने के लिए जा सकते हैं बाहर, और आप सात्विक भोजन अपनाएं जिससे आपको ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा अगर बात करें 6 और 7 सितंबर की तो चंद्रमा मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे, जो कि आपके राशि स्थान से अष्टम भाव में होंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा का ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा नहीं होगा, यहाँ पर चोट दुर्घटना की संभावना हो सकती है अगर आपका लग्न कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो। अगर आपका चंद्रमा काफी अच्छी स्थिति में है तो आपको अचानक धन प्राप्त होगा, चाहे वो पैतृक संपत्ति से हो, चाहे आपके इनलॉज से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, और इन 2 दिनों में आपकी जो रुचि है वो सेक्रेटिव कामों में रहेगी, वो एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री वगैरह में रहेगी या अन्य कोई रिसर्च का काम है उसमें रहेगी, या कोई खोजबीन करनी है, नया कुछ खोज निकालना है, ऐसे कामों में आपकी रुचि रहेगी। इस समय जो आपके साथ कोई ऐसी घटना हो सकती है जो आपको पसंद नहीं हो, और अचानक 2 दिन में चीजें काफी बदलती हुई आपको नजर आएंगी, तो इन 2 दिनों में जो कुछ भी आपके साथ घटित होगा वो काफी तेजी से घटित होगा और वो अनवांटेड होगा। कई बार आप नहीं चाहते हैं कोई घटना होना और तब भी वो घटित हो जाती है। तो इसके साथ ही चंद्रमा यहाँ से आपके सेकेंड हाउस को देखेंगे। सेकेंड हाउस को देखेंगे तो आप अपनी वाणी पर लगाम रखें, आपकी वाणी को मधुर रखने की कोशिश करें, परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करें और आप अपने भोजन पर जरूर ध्यान दें, जिससे आपकी जो है सेहत काफी अच्छी रहेगी। इसके साथ ही इस समय में आप अपनी सेविंग पर ज्यादा ध्यान देंगे, आप धन को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर चंद्रमा आपकी
लग्न कुंडली में अच्छी पोजीशन पर नहीं है तो आपके लिए कुछ परेशानियां निश्चित रूप से हो सकेंगी धन को बचाने को लेकर। तो ये पूरा वीक अगर देखा जाए तो चंद्रमा तीन ही राशियों में ट्रांजिट करेंगे और जो आपके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा 3, 4 और 5 सितंबर को रहेगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा सप्तम से गुजरेंगे। सप्तम से गुजरने से आपको बहुत सारे लाभ यहाँ पर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर इस वीक की शुरुआत कुछ आपको हेल्थ इश्यूज के साथ देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में अंत में जाते जाते आपकी कुछ कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाएंगी, जबकि अंत के जो 2 दिन हैं उसमें कुछ कठिनाइयां फिर से आपको आ सकती हैं। इस दौरान आपको अंत में 2 दिन में थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है, काम का बोझ थोड़ा आपके ऊपर ज्यादा रह सकता है, चोट दुर्घटना एक्सीडेंट की संभावना बन सकती है। तो इन सब का आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा और अपनी लाइफ को अच्छे से आपको जीना होगा। तो कुल मिलाकर ये जो समय रहेगा पूरे वीक में ये अच्छा रहेगा और कुछ लोगों के लिए ये मिला जुला भी रह सकता है। अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसके साथ ही आप सोच समझकर पार्टनरशिप नहीं करेंगे बिजनेस में तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसके साथ ही अपने विचारों पर थोड़ी सी लगाम जरूर रखें, आपके मन पर आप थोड़ा सा लगाम जरूर रखें, जिससे आपको ये वीक काफी अच्छा बीतेगा। तो कुल मिलाकर ये वीक नॉर्मल रहेगा, अच्छा रहेगा और इस वीक में अगर देखें तो आपके लिए शुभ अंक रहेगा 4 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा व्हाइट यानी सफेद। तो फिलहाल बस इस साप्ताहिक राशिफल में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।